हेलो दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारा YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दो चैनल दिखाऊंगा, तो सबसे पहले YouTube पे जाके इस दो चैनल को देखो और समझो। तो सबसे पहले YouTube पे जाके मैं सर्च कर लेता हूँ इधर आके बॉलीवुड एडिट्स। तो बॉलीवुड एडिट्स इस चैनल को मैं सर्च कर लेता हूँ और चैनल सर्च करते ही आप देख सकते हो ये चैनल हमारे पास आ गया है। और इस चैनल को हम लोग अगर ओपन करते हैं और इनका अगर वीडियोस पे जाते हैं तो आप देख पाओगे इन्होंने सिर्फ 39 वीडियोस अपलोड किए हैं और इनका सब्सक्राइबर बेस कितना है 254K, मतलब 2,54,000 सब्सक्राइबर है। और इन्होंने किस तरीके का वीडियोस अपलोड किया है सबसे पहले मैं इसको देख लेता हूँ। अगर मैं शॉर्ट्स पे जाता हूँ तो शॉर्ट्स पे आप देख सकते हो इन्होंने सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो ही अपलोड किया है। तो शॉर्ट्स वीडियोस पे अगर हम लोग जाते हैं तो शॉर्ट वीडियोस पे इसका अगर पॉपुलर वीडियोस पे अगर हम लोग जाते हैं तो पॉपुलर वीडियोस पे आप देख पाओगे इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है। इनका जो पॉपुलर वीडियोस है 59 मिलियन व्यूज आया है। इनका सेकंड पॉपुलर वीडियोस पे अगर हम लोग जाते हैं तो 26 मिलियन व्यूज। इनका अगर थर्ड पॉपुलर वीडियोस पे अगर हम लोग जाते हैं तो आप देख पाओगे इन पे भी 26 मिलियन व्यूज आ गया है। और अगर इस तरीके के वीडियोस को अगर हम लोग ओपन करते हैं तो आप देख पाओगे, जैसे कि मैं एक वीडियोस को इनका ऑन कर लेता हूँ तो ऑन करते ही आप देख पाओगे इन्होंने किस तरीके का वीडियोस अपलोड किया है। सिर्फ इमेज स्लाइड्स टाइप का वीडियोस अपलोड किया है, मतलब कि जो बॉलीवुड एक्ट्रेस होते हैं, बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं, इनका जो इमेज होता है इनको ही कॉपी पेस्ट करके इमेज स्लाइड्स के रूप से इन्होंने इस तरीके का वीडियोस को एडिटिंग किया है। और इस तरीके का वीडियोस आप भी बहुत ही आसानी से अपना मोबाइल से बना सकते हो और इस तरीके का वीडियोस बना के यूट्यूब पर अपलोड करके सबसे पहले पॉपुलैरिटी पा सकते हो और बाद में इस तरीके का चैनल को ब्लॉग चैनल में कन्वर्ट करके यूट्यूब से एक अच्छा खासा पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप भी इस तरीके का कॉन्टेंट बना सकते हो और इस तरीके का कॉन्टेंट को कहाँ से आपको लेना है, किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, किस तरीके से आपको एडिटिंग करना है, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को थोड़ा सा आप स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम लोग जब भी इस तरीके के वीडियोस अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं आपको और एक चैनल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, तो आप यूट्यूब पर जाके और एक चैनल को सर्च कर लो इधर आके, रोमांटिक फैमिली 5680 इस तरीके का एक चैनल है। इसको मैं सर्च कर लेता हूँ, सर्च करते ही आप देख पाओगे इसका जो वीडियो है ये हमारे पास आ गया है। इस चैनल को मैं ओपन कर लेता हूँ। इस चैनल को ओपन करते ही आप देख पाओगे इन्होंने सिर्फ 71 वीडियोस अपलोड किए हैं और 71 वीडियोस अपलोड करने के बाद इनका जो सब्सक्राइबर बेस है वो कितना है अब हम लोग देख लेते हैं। इनका जो सब्सक्राइबर बेस है 420K, मतलब कि 4,20,000 इनका सब्सक्राइबर बेस है और इन्होंने भी सेम कंटेंट अपलोड किया है। अगर हम लोग इसका शॉर्ट वीडियोस पे जाते हैं तो आप देख पाओगे जितना भी बॉलीवुड एक्ट्रेस होते हैं या फिर एक्टर्स होते हैं या फिर वायरल कंटेंट होते हैं तो उनका जो इमेज होता है इनको वो डाउनलोड किए हैं और इसका जो जितना भी इमेज होता है इसको स्लाइस कंटेंट बनाया है, मतलब कि एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है जहां से आप कोई भी इमेज को डाउनलोड करके उनको स्लाइस या फिर ट्रांजिशन ऐड करके अच्छा म्यूजिक ऐड करके इस तरीके कंटेंट आप बना सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको इस तरीके का कंटेंट को बनाना है। तो इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले दो एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाके इधर आके सर्च करना है इमेज सर्च। तो इमेज सर्च एक एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन को हम लोगों को डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले मैं प्ले स्टोर में जाता हूँ और प्ले स्टोर में जाने के बाद आप इधर आके मैं टाइप करता हूँ इमेज सर्च। तो इमेज सर्च ये एप्लीकेशन हमारे पास आ चुका है और इसी एप्लीकेशन को हम लोगों को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को मैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेता हूँ एंड इंस्टॉल करने के बाद इस एप्लीकेशन को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो इस एप्लीकेशन का काम क्या है, इस एप्लीकेशन के मदद से दुनिया का कोई भी फोटोज को आप फ्री में इस एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। जो भी इमेज आपको चाहिए आपको अपना कंटेंट बनाने के लिए वो सारे इमेज आपको इस एप्लीकेशन से मिल जाएगा। तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है और डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद जस्ट आपको इधर आके सर्च करना है जो भी कॉन्टेंट के लिए आपको पिक्चर चाहिए। जैसे कि इधर आके मैं सर्च कर लेता हूँ सलमान खान, तो सलमान खान
सलमान लिख के मैं सर्च करता हूँ, सर्च करने के बाद ही आप देख पाओगे कि ढेर सारे सलमान खान का पिक्चर आ चुका है। ऐसे ही मैं दूसरा एक एक्ट्रेस का पिक्चर मैं इधर सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इधर आके सर्च कर लेता हूँ करीना कपूर। तो करीना कपूर लिख के सर्च करने के बाद आप देख पाओगे कि बहुत सारे करीना कपूर का पिक्चर आ चुका है। मतलब कि जो भी कॉन्टेंट के लिए आपको इमेज चाहिए वो सारी इमेज आपको इस एप्लीकेशन से मिल जाएगा। लेकिन आपको इस इमेज को डाउनलोड करने से पहले एक चीज ध्यान देना है कि जितना भी इमेजेस आप इधर से डाउनलोड कर रहे हो तो उस इमेज पे कोई भी वाटर मार्क ना रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वाटर मार्क वाला इमेज को डाउनलोड करते हो और उस वीडियोस को अगर आप यूट्यूब पे अपलोड करते हो तो आपका वीडियोस पे 99% चांस रहता है कि आपका वीडियोस में कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए। तो आपको ये चीज ध्यान देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट काम जो करना है वो है वीडियो को एडिटिंग करना। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको दूसरा एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। तो इसके लिए आपको फिर से प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाके आपको इधर सर्च करना है इनशॉट। जी हाँ दोस्तों, इनशॉट एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के मदद से आप बहुत ही आसानी से शॉर्ट वीडियोस बना सकते हो और इस तरीके का इमेज स्लाइस वीडियोस बहुत ही आसानी से बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं प्ले स्टोर में जाता हूँ और प्ले स्टोर में जाने के बाद इनशॉट एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेता हूँ। एंड डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद इस एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लिया हूँ एंड ओपन करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस आपके पास शो होने लग जाएंगे। तो इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसे इंटरफेस आ रहे हैं एंड इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट न्यू का। जी हाँ दोस्तों, वीडियोस का एक क्रिएट न्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो इस क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पे क्या ऑप्शन आ रहा है, न्यू का। तो इस न्यू के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। न्यू पे ऊपर क्लिक करते ही आपका जो गैलरी है वो आपके पास शो होने लग जाएंगे। मतलब कि जितना भी फोटोज आप सर्च एप्लीकेशन से डाउनलोड करके रखे थे वो सारे फोटोज आपके पास शो होने लग रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारे फोटोज को सिलेक्ट कर लेना है जिस फोटोज को आप वीडियोस में कन्वर्ट करना चाहते हो। जैसे कि मैं इस 5 फोटोज को वीडियो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये 5 फोटो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 फोटोज में सिलेक्ट कर लिया हूं। एंड सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपका जो फोटोज है ना, उस जिस फोटोज को आपको थोड़ा सा क्रॉप करना है या फिर छोटा है फोटोज को उसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो उस फोटोज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद उस फोटोज को थोड़ा सा उंगली के प्रेस से क्रॉप करके इस तरीके से बड़ा कर लेना है। जो भी फोटोस आपको लग रहा है कि आपका जो वीडियो का जो रेजोल्यूशन है 9:16 या फिर 16:9, जो भी आपका रेजोल्यूशन है तो उस अकॉर्डिंग आपको उस फोटोस को थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद आपको नेक्स्ट जो काम करना है, इस वीडियोस पे आपको एनिमेशन ऐड करना है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है आपका वीडियोस को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अगर आप नॉर्मल स्लाइस चलाओगे तो लोग देखना इसको पसंद नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस सारे फोटोज में एनिमेशन ऐड करना है। अब एनिमेशन कैसे ऐड करोगे, एनिमेशन ऐड करने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद उस फोटोज को आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा पास में आना है। आपके पास एक ऑप्शन इस तरीके के आ जाएंगे एनिमेशन का। तो उस एनिमेशन के ऊपर से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते ही आप देख पाओगे कि बहुत सारे एनिमेशन का जो पार्ट्स होता है या फिर बहुत सारे एनिमेशन का जो डिफरेंस होता है वो सारे आपके पास आ जाएंगे। तो आपको अपना पसंद के अनुसार, आपको अपना कंटेंट के अनुसार उस एनिमेशन को ऐड कर लेना है। जैसे कि मैं इस एनिमेशन को ऐड कर लेता हूँ तो आप देख पाओगे कि आपका जो फोटोस है वो किस तरीके से चल रहा है। और इस तरीके से अगर आप कॉन्टेंट को बनाते हो तो डेफिनेटली लोग आपका वीडियोस को देखना पसंद करेंगे। अब नेक्स्ट काम आता है, वीडियोस पे आपको ट्रांजिशन ऐड करना है। ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन होता है कि अगर आप एक इमेज के बाद दूसरा इमेज पे जा रहे हो तो किस तरीके से जा रहे हो। तो आपको ट्रांजिशन कैसे ऐड करना है, आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको बीच में जो दो फोटो आपके पास ज्वाइंट होके रखा है तो बीच में एक कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है तो इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक
के बाद ही आपको ट्रांजिशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो उस ट्रांजिशन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक करते ही आपके पास बहुत सारे ट्रांजिशन का जो विकल्प होता है वो सारे आपके पास आ जाएंगे। तो उस ट्रांजिशन से आपको अपना कॉन्टेंट के अनुसार एक ट्रांजिशन को ऐड कर लेना है ताकि आपका वीडियोस को और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो इसके बाद नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको ये करना है, इस वीडियोस को आपको एक्सपोर्ट करना है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस तरीके का कंटेंट को बना सकते हो और इस तरीके का कंटेंट बना के यूट्यूब पर अपलोड करके एक अच्छा खासा पॉपुलैरिटी पा सकते हो। और बाद में जब आपका सब्सक्राइबर बेस बहुत बढ़ जाए तो आप इस कंटेंट को चेंज करके अपना कंटेंट डाल सकते हो। इस चैनल को आप ब्लॉग चैनल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, कुकिंग चैनल में कन्वर्ट कर सकते हो और यूट्यूब से एक अच्छा खासा पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हो। सो उम्मीद है आपको इस इन्फॉर्मेशन को पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं दूसरा कोई नॉलेजेबल वीडियो लेके, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।